कैसे एक गुजराती अरबपति भारतीय केनिया देश के 40,000 लोगों का मसीहा बन चुका है, चलिए जानते हैं। गाइस, 40,000 लोगों का मसीहा बन चुके उस इंसान का नाम है हसमुख पटेल, जो केनिया में मोम्बासा सीमेंट कंपनी के मालिक हैं। उनकी 2000 एकड़ में फैली सीमेंट फैक्ट्री ईस्ट अफ्रीका की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है, जिसके पास केनिया में सीमेंट का 20% मार्केट शेयर मौजूद है। बिजनेस में हुई इतनी तरक्की के बाद हसमुख जी ने अपनी कमाई को मोम्बासा के ही जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने में लगाने का फैसला लिया, और इसीलिए उन्होंने मोम्बासा में सहजानंद फीडिंग सेंटर की शुरुआत की, जहां वो रोज 40,000 लोगों को खाना खिलाते हैं। यही नहीं, मोम्बासा की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पीने का पानी, और तो और वहाँ के दिव्यांग बच्चों के लिए सहजानंद स्पेशल स्कूल की स्थापना भी उन्होंने करवाई। और खास बात यह है कि उन्होंने 40 करोड़ रुपए लगाकर मोम्बासा में मौजूद एक डंप साइट को नेचुरल पार्क में तब्दील कर दिया। गाइस, अन्न दान को सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है, और 40,000 लोगों को अन्न दान करने वाले हसमुख जी के लिए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट तो बनता है। अपने पुष्पा मूवी में अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर पुष्पा को चंदन की लकड़ी से करोड़ों रुपए छापते देखा होगा, और सच्चाई भी यही है कि चंदन का एक पेड़ 10 से 12 लाख रुपए में बिकता है, क्योंकि उससे महंगी महंगी चीजें बनाई जाती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चंदन से जब इतना पैसा कमाया जा सकता है, तो फिर हर कोई चंदन के पेड़ों की खेती क्यों नहीं कर लेता, जबकि उसे उगाना भी लीगल है। चलिए इसका कारण जानते हैं। देखिए, चंदन के पेड़ से लग्जरी सामान, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और परफ्यूम बनाए जाते हैं, पर चंदन के एक पेड़ को पूरी तरह तैयार होने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। लेकिन चंदन का एक पौधा आता सस्ता है, 250 रुपए में मिल जाता है, और एक एकड़ में 600 के करीब पेड़ लगाए जा सकते हैं, और 10 से 12 साल बाद आप उससे करोड़ों रुपए छाप सकते हो। लेकिन इसी 10 12 साल के लंबे समय में किसान दूसरी कोई भी फसल नहीं उगा सकता। साथ ही चंदन के पेड़ पर बड़े बड़े सांप लिपट कर बैठते हैं, क्योंकि चंदन का पेड़ ठंडा होता है और सांपों को ठंडी जगह में बैठना बहुत ज्यादा पसंद होता है। इसी वजह से हर कोई चंदन की खेती नहीं करना चाहता। जान बचे तो लाखों पाए, कौन उन बड़े बड़े सांपों से पंगा लेगा। गाइस, आपको इफेक्ट जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, एक तरफ है सुपर ग्लू, जो किसी को भी आपस में चिपकाने की पावर रखता है, और एक तरफ है टेफ्लोन, जो किसी से भी नहीं चिपकता, बहुत ज्यादा नॉन स्टिकी होता है। पर तब क्या हो जब इन दोनों की टक्कर आपस में ही करवा दी जाए? क्या आपको लगता है कि टेफ्लोन कभी भी सुपर ग्लू से चिपकेगा? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप सीधे टेफ्लोन की दो लेयर्स को सुपर ग्लू से चिपकाने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि वहां पर कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो कभी ब्रेक नहीं होती। लेकिन सीधे नहीं, इनडायरेक्ट वे से आप इसे चिपका सकते हैं, इसका भी एक हैक है। इसके लिए आपको क्या करना है, दो टेफ्लोन की लेयर्स के बीच में एक प्राइमर लगाना है, और उसके बाद अगर आप सुपर ग्लू अप्लाई करते हैं तो ये आपस में उस मजबूती से चिपक जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।